हर दिल लजीज का एक और एपिसोड, फिर वही हम, फिर वही आप। हर दिल लजीज में अफशा आप सभी का इस्तकबाल करती है। आदाब। शेफ मिलन का भी आदाब। सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं मालवणी फ्राइड फिश। वाओ। तो आइए देखते हैं मालवणी फ्राइड फिश बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो चाहिए होगी फिश, और फिश के साथ चाहिए होगा हमें राइस का फ्लार। ओके। यानी चावल को पीसा हुआ है लेकिन बिल्कुल बारीक नहीं, थोड़ा सा मोटा रखा है उसको। अच्छा। उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर, एक अंडा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, ओके, नींबू का रस 2 चम्मच, नमक, और ये है कोकम। कोकम, कोकम यानी कि कोंकण की खासियत है। खासियत अगर है। आपके यहाँ नहीं मिले तो आप इमली इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो चाहे मच्छी ले सकते हैं। आज मैंने यहाँ पे रावस मच्छी के पीसेस या फिलेज लिए हैं, जिसको हम मालवणी स्टाइल में उसको बनाने वाले हैं, फ्राइड फिश बनाएंगे। वैसे तो मालवण में बोम्बिल भी बहुत बढ़िया बनता है, सुरमई भी बहुत बढ़िया बनती है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये फ्राई फिश करने का तरीका है। मच्छी आपकी पसंद से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इस मच्छी को जो हम मैरिनेट या जो मसाला लगाने वाले हैं उसमें क्या क्या जाएगा वो इकट्ठा कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट होगा उसमें जी। इसमें दही का इस्तेमाल नहीं है? दही का इस्तेमाल नहीं है, डिफरेंट स्टाइल है बनाने का। मैं वही देख रही हूँ। लाल मिर्ची का इस्तेमाल अच्छी तरह से किया जाएगा। काफी लाल मिर्च होगी क्योंकि मालवणी खाना जो है स्पाइसी है, स्पाइसी होता है, स्पाइसी होता है। इसमें नमक जाएगा और इसमें जाएगा एक अंडा। अभी वैसे कुछ हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले हैं, दर्शक हैं, वो शायद कहेंगे कि मालवणी फ्राइड फिश में उन्होंने अंडा जाते हुए नहीं सुना है करके। अच्छा, मतलब ये कुछ अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए है क्योंकि हम इस डिश को चाहते हैं कि इसके अंदर जो कोटिंग लगाएंगे हम फिश को वो अच्छी तरह से बरकरार रहे, और अंडा डालने से वो बंधी हुई रहेगी, बंधी हुई रहती है, बिखरेगी नहीं जो, और वो क्रिस्प भी बन जाती है। ओके। तो इसमें हम अंडे को, इसी तरह से हम कबाब भी जब बनाते हैं कीमे को पीस के, मटन को पीस के, तो उसी तरह से उसमें अंडे का लेप देते हैं ताकि वो बिखरे ना। आपकी इजाजत हो मैं हाथ से फेंट लूं इसको? बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जो मजा इसमें आएगा। हाँ बिल्कुल, वो अच्छी तरह से इसमें घुल जाएगा। आपको एक मदद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कोकम। कोकम जो होता है इमली की तरह होता है, कोकम को हमने पानी में भिगो के जी उसका जो है थोड़ा सा रस निकाल के रखा हुआ है, थोड़ा सा रस डालेंगे आप और डाल दीजिए। इससे क्या है ये खट्टा बनाएगा, और खट्टापन और तीखापन मिलके एक बढ़िया सा टेस्ट आता है उसमें। और कोकम अपने आप में बहुत ही हेल्दी एक ड्रिंक भी है। अब इसको जो हमारे फिश के पीसेस हैं जिसको मैंने पहले से काट के रखा है आपके लिए इस तरह, उसको हम लगाएंगे मसाले में। हमारे जो शेफ हैं मिलिंद, उनका बड़ा एम्फेसिस होता है इस बात पे कि आप जो पीसेस जब भी काटें उसे डाइस करें तो उसे बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में किया करें। यस ताकि सारे पीसेस एक जैसे हो शेप में, साइज में, दिखने में, ताकि वो पकाते टाइम भी ठीक से पके, कच्चे पक्के ना रहे और दिखे भी बढ़िया। अच्छा, मैं देख रही हूँ इसमें राई का इस्तेमाल नहीं है मिलन। राई का नहीं, राई नहीं इस्तेमाल करते फ्राइड फिश में नहीं। वैसे फिश के अंदर करी नॉर्मली, हाँ करी नहीं, वो जो आप राई या सरसों कह रही हैं वो होता है ज्यादा करके बंगाल में। अच्छा। हाँ, राई का इस्तेमाल तड़के में जरूर होता है महाराष्ट्रीयन खाने में, लेकिन वो करीज में होता है। अच्छा। जिसमें ग्रेवी या करी बनती है उसमें नारियल और उसका इस्तेमाल जरूर होता है। तो अभी ये सिर्फ फ्राई फिश है जो, ये सिर्फ फ्राइड फिश है, नो ग्रेवी, नो ग्रेवी। तो इस तरह से फिश को हमने लगाया है। आप चाहे तो इसको 10-15 मिनट के लिए रख सकते हैं, ना भी रखें तुरंत भी बनाए तो चल सकता है। अच्छा। इसमें आप थोड़ा सा वो जो राइस का पाउडर है वो ले लेंगे, तो इसमें डाल दूं मैं प्लेट में पहले? यस, थोड़ा आपको भी हाथ खराब करने पड़ेंगे अगर बढ़िया खाना खाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको जो है शर्तिया आप मुझे इसे बाद में खाने दें तो। यस ठीक है, हाथों से शायद, चलो आप कर लीजिए, मैं उसको दबा दूंगा। हां हां, ये चावल का हमने जो इस्तेमाल किया इसकी जगह बेसन भी हो सकता था। हाँ, फिर वो फिश अमृतसरी हो जाती थी। हाँ बिल्कुल फिर वो मालवानी फिश नहीं, मालवानी नहीं फिश रहती थी। क्या होता है जहाँ जहाँ की ये खासियत है उस जगह की, तो आमतौर पर ये देखा गया है कि जिस जगह की ये डिश है तो
ज्योग्राफिकली वहां पे जो सबसे ज्यादा पकता है या जहां मिलता है या उगता है, वो जैसे चावल है कोंकण के किनारे में बहुत मिलता है, बिल्कुल, तो जहां पे वहां इस्तेमाल चावल का ज्यादा होता है, और तो अगर स्टेपल पाउडर भी डाइट बना हो रहे हैं जाती तो है वो, चावल का पाउडर बनाया उन्हें। स्टेपल डाइट भी हो हाँ जाती है, प्लस वो उस जगह के उस इलाके के लोगों के लिए वही बेहतर रहता है क्लाइमेट के हिसाब से यस, खाना। आपने जो राइस पाउडर लगाई थी उसको मैं थोड़ा और ठीक कर देता हूँ। और ज्यादा उसमें लपेट रहे हैं आप। हाँ नहीं, उसको ठीक से इस तरह लगाना है ताकि वो जब फ्राई करेंगे, इसको अच्छा बोलते हैं हम पैट कर देते हैं इसको ये ठीक तरीके से, ओके। ताकि जब फ्राई करेंगे तो वो निकले नहीं और ओके। उसका शेप भी ठीक रहे। ठीक है, ये पीस तेल गरम कर दिया हमने, तो इस तरह से हमारे ये जो पीसेस हमने राइस फ्लावर में करके रखे हैं उसको फ्राई करेंगे। इसकी जरूरत होगी मुझे लगता है अब। हाँ, फ्राई करने के लिए तेल जो है, एक तो हम फ्राई पैन में ले रहे हैं उसको, शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, और तेल को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और ठंडा भी नहीं, मतलब मीडियम भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेटली हॉट होना चाहिए। इसको दोनों तरफ से पका लेते हैं। ओके। इसे मतलब अंडे में लपेट लिया हमने। अंडा हमने मैरिनेशन में डाला था ना, अच्छा हाँ 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 उसका तो उसी तरीका में ये है। वो। हाँ ओके, यस, मैंने सोचा था जो बाद में डिप करेंगे हम। इंग्लिश स्टाइल में जैसे कटलेट्स वगैरह बनते हैं हाँ हाँ उसमें क्या होता है, बाद में उसको अंडे में डुबोते हैं और फिर ब्रेड क्रम्ब लगाते हैं, तो अच्छा हमने ऐसे नहीं किया, उसको मसाले के साथ ही, ओके मसाले में ही अंडा डाल दिया था, अच्छा तो वो अच्छा अपने आप ही उसको जो है पकड़ लेगा। सर जी, अब ये एक तरफ से पक गया है, जी उसको हम दूसरी तरफ से पकाने के लिए वो कर देते ओके। हैं, गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए ये। हाँ मैंने आपको जो बोला था कि इसको ज़्यादा गर्म तेल में नहीं तलना है, वो इसलिए बोला था कि अगर हमने इसको ज़्यादा गर्म तेल में तला तो क्या होगा, ये अंदर से फिश कच्ची रह जाएगी, ओके बाहर से तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा, हम वो अच्छा नहीं चाहते। हाँ, मतलब वो उसके जो अंदर अंदर तक से भी नहीं पक जाए और पहुंचेगी। बाहर भी क्रिस्प रहे। हमारी ये फिश दोनों तरफ से पक गई है, गोल्डन ब्राउन भी हो गई है, तो आइए इसको निकालते हैं। तेल को हमेशा जितना हो सके निकाल देना चाहिए हाँ, फ्राई करने के बाद। तो हमारी ये फ्राइड मालवणी मालवणी फिश तैयार है, फिश आइए तैयार थोड़ा है। सा इसको एक प्लेट में थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, तो इसमें थोड़े टमाटर भी लगा देते हैं। हाँ ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जो सिर्फ गार्निश के लिए ना हो, लेकिन कोई उसका स्वाद लेना चाहिए, खाना चाहे तो भी खा तो सकते खा हैं, सकता है। जैसे नींबू है वो तो चाहिए होगा उसके ऊपर थोड़ा सा निचोड़ने के लिए। कोई कोई लोग हैं जो मिर्च भी खा लेते हैं हमारे जैसे डेरलिंगों, और ये थोड़ी गाजर की पत्ती बना रखी है आपके लिए। तो डिश को इस तरह से सजाने के बाद इसमें फिश के पीसेस रख देते हैं। मिलिंद, मुझे लग रहा है जिस तरह से आप इसे सजा रहे हैं और इतनी रुचि के साथ, आप खाने के खुद बहुत शौकीन होंगे। बहुत ज़्यादा, मैंने किसी को पहले ही कहा था कि शेफ़ बनने के लिए खाने की रुचि होना जरूरी 300% होनी है। चाहिए अच्छा, 100 और भी नहीं। बनाने की 100%। तो ये हमारा तीखा, चटपटा, लजीज और मेरा सबसे प्यारा मालवणी फ्राइड फिश तैयार बिल्कुल है। तैयार है, और ये इनकी शक्ल पे नजर आ रहा है कि ये अब मैं नहीं लेकर जा सकती खाने के लिए, जरूर इसी को खाएंगे। तो फिर हम आपसे मिलते हैं फिर से एक और नई रेसिपी लेके। अभी ब्रेक में मुझे शेफ बता रहे थे कि कुछ चटपटा एक स्नैक का आइटम वो आपको बताने जा रहे हैं, महाराष्ट्रीयन महाराष्ट्र, जिसका नाम है साबुदाना वड़ा, साबुदाना वड़ा। काफी फेमस है ये महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा की महाराष्ट्रीय कम्युनिटी लोगों को में। तो बहुत पसंद आता है। मैंने हाँ क्या सोचा कि अगर हमने इसमें मालवणी फ्राइड फिश दिखाई है तो इसमें मेन कोर्स के नहीं, इसमें सारे ऐसे आइटम दिखाते हैं इस एपिसोड में जो ओके थोड़े स्नैक्स में खा सकते हैं, शाम हाँ को बना के खा सकते हैं। साबुदाना वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए करीब 150 ग्राम साबुदाना, जिसको हमने 3 से 4 घंटे तक पानी से निकाल के भिगो के रखा हुआ है। दो बड़े आलू उबाल के उसको हमने ग्रेट करके रखा है। उसके बाद 2 बड़े चम्मच धनिया बारीक कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच जीरा और करीब 3 से 4 बड़े चम्मच मूंगफली रोस्टेड भुनी हुई यानी के, और उसको हमने पाउडर बना के
इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रेसिपी में, 1 चम्मच चीनी या शक्कर और नमक स्वाद के अनुसार। साबूदाना वड़ा के लिए एक बोल में सबसे पहले साबूदाना को निकाल लेते हैं और उसमें मिलाएंगे बाकी की चीज़ें, जैसे जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया, चीनी थोड़ी सी। ये महाराष्ट्रियन खाने की स्पेशलिटी है कि खाने में चीनी जाती है, चीनी जरूर होना चाहिए, तो थोड़ा सा उसमें वो खट्टा या मीठा जहाँ है वो मीठा टेस्ट हल्का सा आ जाता है उसके और अंदर, साथ साथ में वो स्पाइसी भी बहुत होता है। हाँ, तो कभी इसलिए रिड्यूस शायद करने के चीनी लिए। की। हाँ और ये जो मैंने आपको बताया था कि मूंगफली जो है रोस्टेड, उसका हमने पाउडर बनाया है, एकदम बारीक नहीं बनाया, थोड़ा सा मोटा सा पाउडर बनाया हुआ है। फिर आपसे इजाज़त लूँगा हाथ से मिलाने के लिए। हाँ गो अहेड। तो इसका जो है, इसका हम वड़ा के लिए बनाने के लिए इसका एक मिक्सचर सा बनाएंगे। ओके। अच्छा वैसे मिलिंद, ये साबुदाना होता क्या है? इसे किस कैटेगरी में जी डाला जा बिल्कुल, सकता है? बहुत अच्छा पूछा आपने, कि बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि साबूदाना होता क्या है। ओके। थोड़ा नमक डालेंगे, अच्छा बिल्कुल। इतना ठीक है? थोड़ा और डालेगा। ओके, अभी आपका साबूदाना जो है कि जितना वो भिगा हुआ है, और अगर वो चिपचिपा है, क्योंकि आप जानते हैं कि साबूदाना भिगोने के बाद अगर थोड़ा सा पानी उसमें ज़्यादा रह जाए तो वो चिपचिपा सा हो सकता है, इसलिए आपने देखा कि मैंने आलू सब एक साथ नहीं डाला था। आप आलू अगर आपको चाहिए तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप चाहते हैं कि वो चिपचिपा हो, ताकि उससे जो है हमारे ये टिक्किया वड़ा बन सके। तो आप साबुदाने के बारे में बता साबूदाना रहे मैं थे। बता अच्छा रहा था, साबूदाना वैसे तो एक मशीन मेड आइटम है देखा जाए तो, यस, क्योंकि क्या होता है कि आपने रबर के बारे में सुना होगा, रबर कैसे हाँ बनता है, रबर का जो सैप होता है वो राइट। पेड़ में आता है, उसको इकट्ठा किया जाता है और फिर उससे रबर बनता है, उसी तरह सैगो बोलते हैं इसको इंग्लिश में, साबूदाना को, एक पेड़ है खास किस्म का, उसका ये जो सैप निकलता है उसको इकट्ठा करके उसके बाद में उसको मशीन में से प्रोसेस करके उसके बारीक बारीक दाने निकाले जाते हैं, जिसको हम अच्छा, साबूदाना कहते हैं। ओहो, मैं समझती हूँ कि बहुत ही कम लोग इसके बारे में बहुत जानते कम होंगे, लोग जानते होंगे। तो हमें एक और जानकारी दी है मिलिंद ने। और इसमें स्टार्च बहुत होता है। हाँ, स्टार्च ये आइटम होता है, और ज़्यादा करके आपने इसमें देखा होगा कि जो लोग व्रत रखते हैं या पता नहीं अलग दिनों फास्टिंग में करते फास्टिंग हैं। करते हैं, उनके लिए जो है साबूदाने की बनी हुई चीज़ें, और जिन जिन चीज़ों का परहेज होता है वो चीज़ें इसमें नहीं डाली हुई है, तो ये व्रत के लिए या बहुत उपवास के लिए सही बहुत है। सही है ये। अब इसका साइज़ जो है, वड़े आमतौर पर पहले बड़े भी बनते थे थोड़े ज़्यादा, लेकिन आजकल जो है छोटे छोटे साइज़ में आप बना सकते हैं इसको, कॉकटेल साइज़ में बना के किसी पार्टी में शाम को सर्व कर सकते हैं, ओके। वो आपके ऊपर है कि किस तरह से आप बनाएं। तो इस साबूदाने के, जैसे मैंने कहा था, मीडियम साइज़ के वड़े बना देते हैं हम लोग, ताकि इस शेप में बना सकते हैं आप इसको, रखेंगे और इसको बाद में फ्राई करेंगे गरम तेल में या घी में। तो इन साबूदाना वड़ा को अभी गरम जो तेल हमने किया है, ये ध्यान रहे कि तेल बहुत ज़्यादा गरम ना हो, क्योंकि तो बाहर से जल जाएंगे अंदर कच्चे रहेंगे, मीडियम हॉट तेल में तल लेते हैं। ओके। और इन्हें बहुत जल्दी निकाल लेना होता है कि नहीं, मतलब थोड़ा तो थोड़ी अंदर से देर? उसको पकना चाहिए, आपने देखा है मोटा तो है। अच्छा इसको कई कई लोग इसको शैलो फ्राई भी करते हैं, फ्राई अच्छा पैन में इसको शैलो फ्राई करते हैं, ओके। लेकिन लेकिन अगर उसको जल्दी बनाना है, ज़्यादा बड़े बनाने हैं, तो डीप फ्राई करना थोड़ा उसका आसान तरीका है। अब हम इसे वेट कर रहे हैं तो थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। यस, तो ये हमारे साबूदाने वड़े तल चुके हैं, आपने देखा बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसको एक नैपकिन लगे हुए प्लेट पे निकाल लेते हैं फिर से, यस, ताकि तेल पूरा जज्ब तेल हो जाए। निकल जाए और जो बाकी बड़े उनको भी फ्राई कर देते हैं। सेकंड बैच भी तैयार है साबूदाने वड़े के, आइए इनको भी निकाल लेते हैं। और अब इसको, इन बढ़िया तले हुए साबूदाने वड़े को
एक बढ़िया सी गार्निश भी दें। तो ये हैं आपके साबुदाने वड़े, के वड़े खाने के लिए तैयार। बिल्कुल तैयार, और ये बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं। तो ब्रेक के बाद हम अपने सामान को क्या बताने जा रहे हैं? मैंने सोचा था कि दो हमने स्नैक आइटम बताए हैं, लेकिन लोगों के लिए ऐसी कोई आइटम नहीं बताई जो उसके साथ खाई जा सकती है। अच्छा, तो मैंने कहा ऐसी कोई चटनी या ऐसी कोई चीज दिखा देते हैं कि लोग उसको, जो हमने फिश दिखाई थी उसके साथ भी खा सकते हैं, बिल्कुल, या साबुदाने के वड़े के साथ खा सकते हैं। तो एक ऐसी चटनी दिखा रहा हूँ जो खास महाराष्ट्रियन स्पेशल चटनी है, नारियल और धनिया की चटनी। ओके, तो देखते हैं नारियल और धनिया की चटनी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये नारियल है जिसको हमने स्क्रेप करके या ग्रेट करके रखा हुआ है, आधा नारियल। इसमें हम डालेंगे 6 से 7 लहसुन, नींबू का रस 2 चम्मच, करीब 1 कटोरी बारीक कटा हुआ धनिया, 1 चम्मच चीनी, 2 बड़े चम्मच दही, 3 से 4 या हो सके तो 5 भी आप डाल सकते हैं अगर आप तीखी चटनी पसंद करते हैं, हरी मिर्च और नमक स्वाद के हिसाब से। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल, इसमें सबसे आसान है ये बनाना। एक मिक्सी में हम इसको पीसेंगे। पहले जमाने में तो चटनियाँ जो है पत्थर के ऊपर पीसी जाती थी, उसका एक स्वाद सिल बट्टे पे उसका स्वाद अलग होता था, लेकिन अब हमारे पास मिक्सी है तो इसमें पीसेंगे। सबसे पहले नारियल को मिक्सर में डाल लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जिस रीजन में लोग रहते हैं और वहाँ जो ज़्यादा मिलता है या बनता है उसकी चीज़ें बनती है, तो नारियल महाराष्ट्र के बॉर्डर पे या कोस्टल एरिया में बहुत मिलता है, इजीली अवेलेबल है, वही उगता है, सो तो नारियल की चीज़ें बनती है वहाँ पे। नारियल की चटनी भी ज़्यादा खाई जाती है, सूखे नारियल की भी चटनियाँ बनाते हैं। धनिया को डाल देते हैं इसके अंदर, और जैसे मैंने कहा था हरी मिर्च, नमक स्वाद के हिसाब से, हम चाहे तो नमक पीसने के बाद भी डाल सकते हैं, और चीनी, हाँ 1 चम्मच, फिर से चीनी है ना, वो खासियत है, खासियत है। ओके, दही जो है आपने देखा मैंने इसमें अभी नहीं डाला है। दही हमने इसलिए रखा है कि बाद में हमें चटनी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी हो, उसको पतला करना हो, गाढ़ा करना हो, तो दही उस हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको पीस लेते हैं झटपट। इसमें हम पिस चुकी है हमारी चटनी, ये इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। Now that was quick. Yes. वाकई झटपट है ये तो। जैसे मैंने कहा था कि हम जो है दही बाद में डालेंगे, आप देख रहे हैं कि अब चटनी जो है काफी थिक है, हम चाहेंगे कि ये थोड़ी सी पतली हो जाए, हाँ। तो हम उतना ही उसमें दही डालेंगे। कितना आजकल की ये नई गैजेट्स की वजह से मिक्सी हो गई है, माइक्रोवेव ओवन हो गए, खाना कितना जल्दी बनना शुरू हो गया है, बहुत आसान हो गया। इसमें हम दही डालते हैं और इसको थोड़ा सा फेंट देते हैं। मतलब दही इसमें यूज करना जरूरी है? हाँ, दही तो इसकी रेसिपी में है। अच्छा, क्वांटिटी इसलिए मैंने कम ज्यादा के लिए रखी थी कि ताकि देख सकें कि कितनी जरूरत है, हमें कितनी जरूरत है उसकी। अब कई बार क्या होता है कि जैसे कोई डिश है जिसके साथ हमें चटनी परोसनी है, तो वो चटनी हो सकती है उस टाइम के लिए गाढ़ी ही चाहिए, हाँ। लेकिन कुछ कुछ डिशे ऐसी होती है कि जिसके साथ चटनी थोड़ी सी पतली हो तो चल जाए, तो हम इसी चटनी को फ्रिज में अगर बना के रख दें 1-2 दिन के लिए, और उसका जो गाढ़ापन है वो दही या पानी से एडजस्ट करते रहें उसको, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं काफी सारी डिशेस के साथ और एक लंबे अरसे के लिए, क्योंकि चटनी खराब तो होती नहीं है। नहीं, खराब तो होती है, लेकिन एक आध दिन में अगर एक आध दिन में तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने देखा नारियल वगैरह है तो नारियल तो खैर जल्दी खराब हो सकता है, पानी छोड़ता है। तो इसको थोड़ा सा हरी मिर्च से सजा देते हैं ताकि ये लोगों को पता चले हरी मिर्च की चटनी है। और इसमें आपने देखा मैंने नींबू का रस थोड़ा नहीं डाला है, क्योंकि इसके दही की वजह से खट्टापन आ गया था। अच्छा। इसमें मैंने नींबू का रस रोक दिया था, नहीं डाला था इसमें। तो आप भी अपनी चटनी को टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद
जो चाहे थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए कर इसको। सकते हैं, ये ऑप्शन आपको हमारे शेफ जो है मिलिंद वो दे रहे हैं, तो आप उसे जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो इसी के साथ फिर हमारे सामाइन से हम अलविदा कहते हैं, और हमें उम्मीद है कि उन्हें सारी रेसिपीज जो आज मिलिंद ने हमें बताई हैं और हमारे महाराष्ट्रियन सामाइंस को और जितने भी बाकी के हैं उन्हें भी बहुत अच्छी लगी होंगी। तो इसी के साथ हम दोनों का आपको अलविदा, खुदा हाफिज़। आदाब।